यौमे पाकिस्तान पर वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, रेंजर्स के शेरदिल जवानों के बूटों की घन गरज, फजा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी, मिल्ली नगमों ने लहू गरमा दिया, पाक भारत सरहद पर शहरियों का जम्मे गफीर, बच्चे बड़े और खवातीन समेत सभी पुरजोश, तालियां बजाकर और नारों से जवानों का लहू गरमाते रहे, हर दिल की आवाज पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। रेंजर्स की वर्दी में नन्हे सिपाहियों की दबंग एंट्री, तीखे अंदाज, रवायती जोश, वतन पर हर दम मिटने का अज़्म। तकरीब में मौजूद शुरका ने खूब दाद दी, खातीन अहलकारों की भी शानदार परेड का मुजाहरा भी देखा। अम का नाम पाकिस्तान, यौम पाकिस्तान पर लाहौर में रन फॉर पीस मैराथन रेस, मर्द खवातीन और बुजुर्ग अफराद की 10 किलोमीटर रेस में शिरकत, मर्दों में नौशेरवा आशिक, खवातीन में राबिया आशिक, जबकि सीनियर सिटीजन में खालिद इकराम मलिक ने मैदान मार लिया। लॉर्ड मेयर, डेप्टी कमिश्नर और साबिक क्रिकेटर मोहम्मद मुश्ताक ने हिस्सा लिया। मुल्क के लिए शानदार खदमात सर अंजाम देने का एतराफ़, यौम पाकिस्तान पर गवर्नर हाउस ने पुरवकार तकरीब, मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर नामवर शख्सियात को सिविल अवार्ड से नवाजा गया, बाबरा शरीफ, इफ्तिखार ठाकुर, इमानुल्लाह खान, बशीर अहमद, मोहम्मद इनाम भट्ट, डॉक्टर शहबाज आलम, डॉक्टर मजहर इकबाल के लिए सिविल एजाजात, ख्वाजा मसूद अख्तर और नासिर अदीब को भी गवर्नर ने सिविल एजाजात से नवाजा। तेईस मार्च यौम पाकिस्तान, अज़्म की तजदीद, वफाकी दारुलहुकूमत में मुसल्ला अफवाज की शानदार परेड, पाक अफवाज के चाको चौबंद दस्तों का परेड में भरपूर कुव्वत का मुजाहिरा, सलामी पेश की, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने परेड का मुआयना किया, पाक फजाइया और पाक बहरिया का शानदार फ्लाई पास्ट, JF-17 थंडर, F-16 मिराज और दीगर तैयारों की शानदार उड़ान, एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर की कयादत में पाक फजाइया और नेवी के हवाबाजों ने सलामी पेश की, सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरे, फजाओं को चीरते तैयारों ने दुश्मन के दिलों पर हैबत तारी कर दी, पाक फजाइया के सरबराह की F-16 पर सलामी, चीन, सऊदी अरब और आजरबाईजान के दस्ते और हवाबाज भी शरीक हुए। पलटना पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, फजाओं में लड़ाका तैयारों की घन गरज, पाकिस्तान की पहचान JF-17 थंडर ने जब फजा में भरी उड़ान तो हर कोई हैरान, लाजवाब बेमिसाल, फजा में इंतहाई खतरनाक करतब, कोबरा और दीगर हेलीकॉप्टर्स ने भी फजाई हुक्मरानी दिखाई, तुर्की के F-16 और चीन के J-10 तैयारों ने भी कमाल दिखाया, समुद्रों के निगहबान, फजाओं के पासबान, पाक सरजमीन के मुहाफिज, बरी बहरी और फजाया के दस्तों की शानदार परेड, पाक अफवाज की खातीन के दस्तों का जोशो जज्बा भी अरूज पर, घुड़सवार दस्तों के घोड़ों की भी थी परेड में टॉप। सलामी का खूबसूरत अंदाज, मन जांबाज़म SSG के जवान,
सीने फखर से चौड़े, वतन के लिए मर मिटने का जुनून। एसएसजी के जवान सिर्फ मुल्क नहीं बैनुल अक्वामी सतह पर भी इन जांबाजों का नाम। तकरीब एसएसजी कमांडो के अल्लाहू के नारों से गूंज उठी। एसएसजी कमांडो की हवा में तैरते हुए कौमी परचम के साथ पैराट्रोपिंग। बहरीन, ब्रुनाई, श्रीलंका और सऊदी अरब के कमांडोज ने भी साथ दिया। पाकिस्तानी कमांडोज ने कौमी परचम मलेशियन वजीर आजम महातीर मोहम्मद को पेश किया। सऊदीया और श्रीलंका के फौजी अफसरान ने अपने अपने मुल्क के परचम वजीर आजम इमरान खान को पेश किए। पाक अफवाज दिफाए वतन की भरपूर कुव्वत रखती है। कौम पाक अफवाज के साथ खड़ी है। जदीद तरीन मिसाइल नसर, बाबर, शाहीन, मैदान जंग के मजबूत हथियार, बराक, शाइपर ड्रोन, अल खालिद और अल जरार टैंक्स, तोपखाने, रेडार सिस्टम समेत दीगर फौजी साजो सामान की भरपूर नुमाइश। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम सब की है पहचान पाकिस्तान। पाकिस्तान परेड में मुल्क की सकाफत के रंग भी नुमायां। चारों सूबों की नुमाइंदगी करते खूबसूरत फ्लॉट सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के फ्लॉट्स और रिवायती रक्स परेड में तवज्जो का मरकज। योम पाकिस्तान मिजार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एयर कमोडोर रिजवान मलिक और सैयद सबाहत हसन के मिजार पर हाजरी, फूल रखे फतेह खानी की। पाक फिजाया और रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने मुफक्कर पाकिस्तान को सलामी पेश की। फिजाया के दस्ते ने रेंजर्स से गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। पाकिस्तान हमारी आन बान शान। सूबाई दारुलहुकूमत में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने 21 तोपों की सलामी दी। फजार नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर के फलक सगाफ नारों से गूंज उठी। जीवे जीवे पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। ग्रेटर इकबाल पार्क में योम पाकिस्तान की मुनासबत से शानदार तकरीब। मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा के दरमियान मिली नख्मों का मुकाबला। तलबा ने शुरका का खूब लहू गरमाया। कैट जेल में भी योम पाकिस्तान की तकरीब। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, आईजी जेल मिर्जा शाह सलीम बेग और दीगर की शिरकत। परचम कुशाई की गई। जेल में मिली नगमों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। कैदियों में मिठाइयां भी तकसीम। साबिक हुकूमतों ने मुल्क को लूटा। आजादी का मकसद मुल्क और कौम के हकीकी मायनों में खिदमत करना है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का संत नगर में योम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। चेयरमैन पीएचए यासिर गिलानी, तारिक सना बाजवा, अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। सब ने मिलकर केक काटा। पाकिस्तान के लिए कल भी जिद्दोजहद की, आज भी कर रहे हैं, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं एमएनए परवेज मलिक। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया। झूठे मुकदमात के जरिए पाबंदी सलासल कर दिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर और दीगर का नसीराबाद ऑफिस में यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब।
बाद मरियम नवाज की कोर्ट लखपत जेल में वालिद नवाज शरीफ से 2 घंटे से जायद मुलाकात। कारकुनों की बड़ी तादाद भी जेल के बाहर पहुंच गई। मतवाले जज्बाती रुकावटें तोड़ते हुए मरियम नवाज के साथ मरकजी गेट से जेल के अंदर जाने की कोशिश। ट्रेन को भी रोकना चाहा। मरियम ने कारकुनों को पीछे हटने की हदायत कर दी।